ये आकाशवाणी जम्मू है। खबरें दे बुलेटिन च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्ने में प्रमिला जम्बोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज दुनिया के सारे शा वड्डे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री होरें पिछले कई महीने थमां करोना टीके की बनाने च लगे दे वैज्ञानिकें दी सराहना की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें अज कोविड 19 थमां बचाव लई टीकाकरण की लाने की सरकारी मैडिकल कॉलेज जम्मू च शुरुआत करवाई। रामबन च राष्ट्रीय जरनैली सिड़कै पर बनाए जा'रदे बेली पुलै दा निर्माण कम्म पूरा। गड्डियें दी आओजाई शुरू करने थमां पैह्ले ट्रायल रन कीता गेआ। हुन खबरें दी तफसील कन्नै श्रुति खजूरिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होरें अज दुनिया दे सारे शा बड्डे कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर अपने संबोधन च उन्हें आखिया जे जिनेंगी लोड़ है उन्हें गी सबने शा पैह्ले एह टीका लाया जाग। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। दुनिया के सबने समा बड़े टीकाकरण अभियान की वीडियो कॉन्फ्रेंस से शुरुआत करते हुए मोदी ने आख्या कि इस चाली का टीकाकरण अभियान इतिहास कदे भी नहीं चलाया गया। साथियों, इस टीकाकरण अभियान की पुख्ता तैयारियों के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश के कोने कोने में ट्रायल्स किए गए हैं, ड्राई रन्स हुए हैं। विशेष तौर पर बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। आपको पहला टीका लगने के बाद दूसरी डोज कब लगेगी इसकी जानकारी भी आपके फोन पर दी जाएगी। और मैं सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की दो डोज लगनी बहुत जरूरी है। मोदी ने गलाया कि टीकाकरण अभियान के पहले गेड़ 3 करोड़ लोगों की टीका लाया जा। उन्हें गलाया कि दूसरे चरण में 30 करोड़ लोगों की टीका लाए जाने न। प्रधानमंत्री ने पिछले कई महीने समा कोरोना टीका की बनाने च लगे दे वैज्ञानिकों की सराहना की। उन्हें आख्या जिन्हें घट समय च देश च दो टीके तैयार किए गए जड़ी की एक मानने वाली गल है। आज वो वैज्ञानिक वैक्सीन रिसर्च से जुड़े अनेकों लोग विशेष रूप से प्रशंसा के हकदार हैं जो बीते कई महीनों से कोरोना के खिलाफ वैक्सीन बनाने में जुटे थे, दिन रात जुटे थे। न उन्होंने त्योहार देखा है, न उन्होंने दिन देखा है, न उन्होंने रात देखी। आमतौर पर एक वैक्सीन बनाने में बरसों लग जाते हैं, लेकिन इतने कम समय में एक नहीं दो दो मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हुई है। इतना ही नहीं, कई और वैक्सीन पर भी काम तेज गति से चल रहा है। ये भारत के सामर्थ्य, भारत की वैज्ञानिक दक्षता, भारत के टैलेंट का जीता जागता सबूत है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज कोविड 19 थमा बचाव लई टीके की लाने की सरकारी मेडिकल कॉलेज जम्मू च शुरुआत करवाई। इस मौके पर केंद्र शासित प्रदेश दे बड़े अधिकारी भी इत्थे मौजूद है। आकाशवाणी के जम्मू संवाददाता की रिपोर्ट मुताबिक सबने थमा पहले ही टीका राजू नाम के सफाई कर्मचारी की लाया गया। अज 40 निर्धारित थारे पर 400 सेहत कर्मियों के टीके लाए जा करते हैं। केंद्र शासित प्रदेश के 20 जिले 100 सेहत कर्मियों के टीका लाया गया। सरकार इस प्रक्रिया 4,500 लोगों की सिखलाई भी दी है। इस मौके पर बोलते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वैज्ञानिकों की सराहना की जिन्हें पिछले किश महीने दौरान कोविड खिलाफ दवाई तैयार की है। उन्हें गलाया कि यह मुल्क वास्ते बड़ी गै मानने वाली गल है जो बड़े गै घट समय च भारत ने दो टीके विकसित किए हैं। इस मौके पर बोलते हुए उपराज्यपाल ने आख्या आज का दिन निर्णायक, दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान का प्रारंभ देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा आज प्रारंभ होने जा रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर मैं देखूं, बताया गया है, तो बाकी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की तुलना में देखेंगे मुझे लगता है कि प्रभावी नियंत्रण करने में हम
सब सफल रहे हैं, इसमें आप सबका सहयोग निश्चित रूप से सराहनीय रहा। मुझे लगता है कि आज हम सबके लिए गर्व का विषय है, देश के वैज्ञानिकों और जिन लोगों ने ये वैक्सीन निकाली, मुझे लगता है पूरा देश आज उन्हें नमन कर रहा है। कोविड 19 थमां बचाव लई टीकाकरण की शुरुआत रियासी च उत्थुआं दियां डिप्टी कमिश्नर इंदु कंवल चिब्बो ने करवाई। साढ़े रियासी आले संवाददाता देवेंद्र ठाकुर ने जानकारी दी है जे अनिल कोहली होरें गी सभनें थमां पहले टीका लाया गया, जिसलै कि ओशीन सोहनी पहली महिला ही जिन्हें गी टीका लाया गया। उन्हें नागरिकें गी आखेआ जो अफवाहें पर ध्यान नेईं देन की जे टीके की आपात स्थिति च बरतून आस्तै माहिरें आसेआ मंजूरी दित्ती गेदी है। उन्हें गलाया जे टीकाकरण उत्पादन च भारत ने पहले भी बड़ी मती खरी कारकरदगी दस्सी दी है ते दुनिया भरै दे 60% बच्चें गी भारत दी वैक्सीन दित्ती जांदी है। इस दौरान जिन्हें भी सेहत कर्मी गी अज्ज टीका लाया गया उनेंगी निगरानी हेठ रखा गया है ते ओ ठीक न। उधमपुर जिले च कोविड 19 थमां बचाव लई टीका लाने की शुरुआत जिला अस्पताल च होई। साढ़े उधमपुर आले संवाददाता ने जानकारी दी जे एदे अलावा एह टीकाकरण अभियान उप जिला अस्पताल रामनगर ते समुदायिक सेहत केंद्र चनैनी चलाया जाग। मुख्य सेहत अधिकारी डॉक्टर के सी डोगरा होरें इस अभियान की शुरुआत करवाई ते आपू एह टीका लवाया। उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला होरें आखिया जे जिले की पहले गेड़ आस्तै 1880 खुराकां दित्तियां गईयां जिंदे चा अज्ज 100 सेहत कर्मियों की लाईयां गईयां। इस मौके पर बोलते हुए उधमपुर के डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर पीयूष सिंगला होरें आखिया जो कोरोना महामारी की वैक्सीन आज आ गई है, गवर्नमेंट के निर्देश के मुताबिक जितने हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनको फर्स्ट फेज में देना है, तो जिला उधमपुर में 3500 के आसपास हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उन सबका डेटा लास्ट कुछ समय में अपलोड कर लिया गया है और आज टीकाकरण शुरू हुआ है। पहली वैक्सीन चीफ मेडिकल ऑफिसर ने खुद ली है। रोज के सेशन में लगभग 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को दिया जाएगा। तो जिला भर में 3 जगह किया जा रहा है, चनैनी, रामनगर और उधमपुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक क्षण है। रामबन के डिप्टी कमिश्नर नाजम सईद खान होरें जिला अस्पताल रामबन च कोविड टीकाकरण मुहिम की शुरुआत करवाई। जिला अस्पताल रामबन च कोविशील्ड वैक्सीन का सबने शा पहला टीका राष्ट्रीय सेहत मिशन के फार्मासिस्ट अकील अहमद होरें गी लाया गया। आकाशवाणी कने गल करते हुए अकील अहमद होरें दस्सिया जे टीकाकरण मगरा ओ बिल्कुल ठीक न ते उन्हें गी सबने गी सलाह दित्ती जे ओ बिजन कुसै शक शुबे दे टीके करवाई लैन। रामबन के साढ़े संवाददाता रविंदर किचलू ने जानकारी दी है जे रामबन के सीएमओ फरीद अहमद भट्ट होरें बटोह के सामूहिक सेहत केंद्र च टीकाकरण आली मुहिम की शुरुआत करवाई। कठुआ जिले च सभने थमां पहले कोविड 19 थमां बचाव आला टीका डॉक्टर मानिक महाजन होरें गी लाया गया, जेदे मगरा डॉक्टर निपुण ते डॉक्टर राजेश अंगराल होरें गी टीके लाए गए। पहले दिन टीका लाने लई 100 सेहत कर्मियों की ताल की गई। साढ़े कठुआ आले जिला संवाददाता प्रदीप शर्मा ने जानकारी दी है जे टीकाकरण आले कार्यक्रम की शुरुआत कठुआ के डिप्टी कमिश्नर ओपी भगत होरें की। उन्हें टीकाकरण आली थार का दौरा लाया ते किते किते बंदोबस्तें का भी जायजा लिया। डॉक्टर मानिक महाजन होरें साढ़े कठुआ आले संवाददाता कने कने गल की। इसमें कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए किसी को भी वैक्सीनेशन लगवाने में, और वैक्सीनेशन जो है वो प्योरली सेफ है, और जो ड्रग रिएक्शन या र्यूमर्स हैं तो किसी भी ड्रग से किसी को भी हो सकता है, इवन वो पैरासिटामोल से भी किसी को ड्रग रिएक्शन हो सकता है। देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स ऑफ मेनी ड्रग्स, कि पर्सन को किसी दवाई से रिएक्शन होता है, एलर्जी होती है किसी चीज़ से, बट वैक्सीनेशन ऐसा नहीं होती। जो भी वैक्सीनेशन होगी उसको पहले लगवा के कोई उसको हम मॉनिटर करेंगे फॉर 30 मिनट्स इन ऑब्जर्वेशन रूम। एक खबर आकाशवाणी जम्मू पर सुनाते हो तो उन बाकी दी खबरें कने प्रॉब्लम जम्वाल। पुंछ दे डिप्टी कमिश्नर राहुल यादव होरें पुंछ दे मुख सेहत अधिकारी डॉक्टर गुलाम ते मेडिकल सुपरिंटेंडेंट उंदी मौजूदगी च इस टीकाकरण अभियान दी शुरुआत जिला अस्पताल पुंछ थमां करवाई। सभनें थमां पहले एह टीका फार्मासिस्ट गी लाया गया, एदे मगरा होर दुए सेहत कर्मियें गी एह टीका लाया गया। इस मौके पर बोलदे होई राहुल यादव होरें गलाया जे जिले च पहले गेड तैहत टीका लाने आस्तै 2070 टीके उपलब्ध करवाए गए, जिंदे चा 300 टीके सेना गी दित्ते गए। उनें गलाया जे अज्ज जिले की दो बक बक थारें पर 200 लोकें गी एह टीका लाया जाता है। रजौरी च एक टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत एडीसी ठाकुर शेर सिंह होरें सरकारी मेडिकल कॉलेज रजौरी थां कीती। इस मौके पर रजौरी के मुख सेहत अधिकारी ते जीएमसी के प्रिंसिपल होर भी मौजूद हे। सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप सिंह होरें गी पहला टीका लाया गया। इस मौके पर बोलते हुए सरकारी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर कुलदीप सिंह ते एडीसी ठाकुर शेर सिंह होरें गलाया हम बहुत लकी हैं कि इम्यूनाइजेशन आ गया है, और यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और चीफ मेडिकल ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर एंड HODPSM वगैरह सबके साथ मिलकर हमने इधर अच्छे तरीके से शुरुआत की है। वैक्सीन जो है वो लॉन्च हुई है पूरे मुल्क के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी, यूटी में भी, और यहाँ इसका फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ है इम्यूनाइजेशन ऑफिसर और प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज में जो है उस पर शॉट लिया है।
मुल्क च कोविड 19 थमां नरोए होने की दर 96.56% तोड़ी जाई पुजी है। पिछले 24 घंटे च कोविड 19 के कुल 16,977 मरीज मल होए। उन्हें तकर कोविड 19 संक्रमित 1,01,79,715 मरीज ठीक हो चुके दिन। सेहत मंत्रालय ने दस्या जे इसलै मुल्क भर च कोविड संक्रमित 2,11,033 सरगर्म मामले न। पिछले 24 घंटे च 15,158 नमें मामले सामने आने करी मुल्क च कुल पॉजिटिव मामले की गिनतरी 1,05,42,841 तोड़ी होई गई है। मंत्रालय ने दस्या जे इसलै कोविड 19 करी होने वाली मृत्यु दर 1.44% है जो कि पूरी दुनिया च सभने शा घट्ट है। पिछले 24 घंटे च 175 और मौतां होने करी कोविड 19 कारण होई दी मौतें दी गिनतरी 1,52,093 होई गई है। मच्छी पालन पशुपालन ते डेयरी मंत्रालय ने दस्या जे मुल्क च बर्ड फ्लू कन्नै 11 राज्य प्रभावित होए दिन। मंत्रालय ने दस्या जे आम जनता की इस बीमारी बारे जागरूक करने लई ते लोकें च एदे बारे फैली दी गलत जानकारी खत्म करने लई मंत्रालय ने कई कदम पुट्ठे। मंत्रालय ने दस्या जे मुल्क इस बीमारी पर असरदार तरीके ने नियंत्रण करने च सफल रहा। ए जानकारी दी गई जे एका वायरस 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेअसर हो जाता है ते पोल्ट्री ते पोल्ट्री उत्पाद जेकर सही तरीके ने रिन्ने जान ता ए विषाणु नष्ट हो जाता है। मंत्रालय ने आख्या जे राज्यों की अपील की गई है जो संबंधित प्रशासन की निर्देश देन जे ओ उन्हें इलाकें ते राज्यों थमां आने वाली पोल्ट्री ते पोल्ट्री उत्पादन पर लाए दा प्रतिबंध टाई लैन जिथे बर्ड फ्लू नहीं फैलेगा। राष्ट्रीय जरनैली सड़क पर बनारते बेली पुले का निर्माण काम अज मुकम्मल हो गया। बीकन के चीफ इंजीनियर ब्रिगेडियर आई के जग्गी होने अज दोपहरी मगरा 760 बॉर्डर रोड टास्क फोर्स के कमांडेंट एन के दीक्षित 99 RCC ग्रेफ के सीओ लेफ्टिनेंट कर्नल वरुण खेड़ाउन ने अपनी गड्डी च बेली पुले पर ट्रायल रन किया। रामबन थमां साडे संवाददाता रविंद्र किचलू होरें ब्रिगेडियर जग्गी हुंदे हवाले कन्नै दस्सिया जे अज्ज संझां किश खीरी तैयारियां ते जांच मगरा पुले गी आम ट्रैफिक लई खोली दित्ता जाग। ट्रैफिक पुलिस दे ABG टी नामग्याल हुंदे मुजब अज्ज संझां बत्ता फसी दियां गड्डियां ते मगरा जरूरी चीजें बस्ते नै लदोई दियां श्रीनगर जाने आलियां गड्डियें गी गै बेली पुले परां जान दित्ता जाग। जंदी 10 जनवरी थमां कैला मोड़ रामबन च इक पुले कश इक कंध ते 15 मीटर सड़कै दा टोटा धसने करी जम्मू श्रीनगर राश्ट्री जरनैली सड़क 44 दे 270 किलोमीटर टोटे पर ट्रैफिक दी आवाजाही मुअत्तल करी दित्ती गेदी ही। खबरें दे बुलेटिन च बस इन्ना गै।